अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज नाज़रीन अपोजिशन लीडर और तमाम जो अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोअर हाई कोर्ट के बाहर जो है इजहार यकजहती कर रहे हैं, छः जजेस के साथ बात करते हैं इनसे। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आज यहाँ पर पुलिस पहले से पहुँची हुई है हमेशा की तरह, क्या कहेंगे गिरफ्तारियों का अगर खतरा हुआ तो जैसे पहले भी हुआ करती हैं, तो इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? देखिए जी, बात यह है कि पुलिस का तो काम भी यही रह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनके लीडर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप गिरफ्तार करें। हमारा पुरमन एहतजाज है, हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, क्योंकि इस वक्त ये ज़रूरत है पाकिस्तान की कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए ताकि इस मुल्क में जो अनार्की है वो ख़त्म हो। जैसे सर कल एक बड़ी अहम बात हुई है कि बुशरा बीबी ने बताया भी है कि उनके खाने में जो है जहर दिया गया है और खान साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, तो इस हवाले से अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो फिर आप लोगों का क्या रद्दमल होगा और ऐसी चीज़ को निपटने के लिए क्या किया है आप लोगों ने भी और बाकी तरीके साहब के लोगों ने? देखिए जी, बात यह है कि जब ये इस तरह के ओछे हथकंडों पर आएंगे और ये इस तरह की हरकतें करेंगे, ये भी कभी आपने सुना है कि घरेलू खातून जो हैं उनको इस किस्म की स्टेटमेंट देना पड़ रही है? डेफिनेटली कोई चीज़ है तो वो कर रही हैं, और जब हमारे चेयरमैन ने कह दिया तो फिर तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि हम इनको खुला छोड़ देंगे। ठीक है, एक बस लास्ट में सर ये बता दें, ईद के बाद तहरीक भी चलने जा रही है तो तैयारियाँ उसका होमवर्क शुरू हो गया? हुकूमत ने हमारे पास हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है, पहले फॉर्म 45-47 का था, अब आज आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा के केसेस हो रहे हैं और पुलिस का सिर्फ मुकम्मल है तरीके को एक ही टारगेट दिया गया है कि सिर्फ पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन करो। ये हमें हमारे पास ये कोई हमें रास्ता ही नहीं दे रहे सवाई ये कि हम सड़कों पर। ठीक हो गया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ पर अपोजिशन लीडर तमाम अरकान असम्बली तरीके इंसाफ के मौजूद हैं और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने इजहार यकजहती करनी है और हमेशा की तरह जो है पुलिस रुकावट भी बनती है और गिरफ्तारियाँ भी करती है और ये जो है अभी वकला के साथ जो है भारत एहतजाज भी करेंगे। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।